नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे। सबसे पहले 27 जून यानी कि कल मध्य प्रदेश दौरे पर थे, जहां वो राजधानी भोपाल के अलावा शहडोल भी जाने वाले थे, लेकिन बारिश के कारण, जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है, उनका शहडोल दौरा निरस्त हो गया, स्थगित हो गया और अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी दी है, ट्विटर पर ट्वीट कर ये जानकारी साझा की। शहडोल का 27 जून का कार्यक्रम रद्द किया गया है, लेकिन इसके अब बावजूद बदले में 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एमपी की राजधानी से 2023 और 24 चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। 3000 कार्यकर्ता उनका संदेश चुनावी राज्य में लेकर जाएंगे। तो हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का आना भी कई मायनों में खास है। इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 का मंच बनेगा मध्य प्रदेश। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को देंगे संदेश। मोदी मंत्र से बिछेगी 23 की बिसात। वंदे भारत की एमपी को मिलेगी सौगात। नरेंद्र भाई की गाड़ी पूरे देश में बिना रुके चले, ऐसी सोच हम इंटरनल गांव में भी भेजेंगे ने, तो भी उनको समझाएंगे कि अभी तो भाजपा के बिना कुछ और नहीं है देश में। हम इधर से जाएंगे तो और कार्यकर्ता लेकर यहाँ आना है हमें इलेक्शन में, और हमारा एक लक्ष्य है मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ। देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश को 2024 चुनाव का मंच बनाने जा रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी 3000 कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, जो 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में उसी ऊर्जा का संचार करेंगे। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश को लेकर भी पीएम मोदी की खास रणनीति है, जिसको लेकर वो शहडोल के पखरिया में आदिवासियों के बीच पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम के चलते इसे फिलहाल कैंसिल करना पड़ा। दौरा कैंसिल नहीं हुआ, जल्दी ही नई तिथि मौसम की स्थिति देखते हुए प्रधानमंत्री जी के लालपुर और पकरिया दोनों जगह आगमन की तय की जा रही है। हमारा टेंट पंडाल और सारी व्यवस्थाएं वहां यथावत खड़ी रहेगी, क्योंकि अतिशीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और जल्दी हम आपको तिथि बताएंगे। लेकिन भोपाल का माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा यथावत है। हर मायने में खास पीएम मोदी का यह दौरा बताता है मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए क्या मायने रखता है, चाहे बात 2024 की हो या फिर 2023 की। बीजेपी मध्य प्रदेश जैसे मजबूत किले से ही जीत का बिगुल फूकने वाली है। हालांकि बीजेपी की तैयारी को लेकर कांग्रेस का अलग मानना है। उसे लगता है कि मध्य प्रदेश चुनाव में कोई भी आ जाए, इस बार जीत कांग्रेस की ही होगी। ये आएंगे, अभी और भी आएंगे, क्यों, मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, पर ये अमित शाह या मोदी जी का तो चुनाव है नहीं, ये चुनाव तो शिवराज सिंह जी का है। पूरा प्रयास कर ले, ये सब अपना प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही विंध्य के दौरे पर आएंगे और आदिवासियों के बीच पहुंचकर 23 की बिसात बिछाएंगे। 2018 चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी विंध्य के दौरे पर आए थे, जिसका नतीजा 30 में से 24 सीटों पर जीत के रूप में सामने आया था और कांग्रेस के हाथ सिर्फ 6 सीटें लगी थी। अब 2023 चुनाव से पहले उनका दौरा क्या कमाल दिखाएगा, इस पर सभी की नजर रहेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और भारतीय जनता पार्टी का 2023 और 24 को लेकर बीजेपी नेत्रियों को भी खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश भर से कार्यकर्ता राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, देश भर से आए हैं, जो जीत का मंत्र लेकर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। गुजरात से आई महिला नेताओं से खास बातचीत की एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। मध्य प्रदेश में बूथ विस्तार का एक प्रशिक्षण हो रहा है और ये प्रशिक्षण महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 3000 जो चयनित कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचे, जिसमें आप देखिए ये तमाम महिलाएं हैं, कुछ गुजरात से यहाँ हैं, कुछ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँची हैं और यहाँ की प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़ी हुई है माया जी के साथ। लेकिन क्या है प्लान, आप लोग कहाँ से आए हैं? गुजरात बड़ौदा से। क्या करने वाले हैं यहाँ से? हम जो तय करेंगे वहाँ जो जिला देंगे उस जिले में जाना है और एक विधानसभा क्षेत्र देंगे वहाँ जाके शक्ति केंद्र और इनके नीचे बूथ, इनके नीचे पेज प्रमुख जो वोटिंग का लिस्ट आता है एक पेज आता है उनका एक बूथ बनाना है और सब कंप्लीट करके हमको जो विधानसभा का प्रभारी होता है उनको देने का है और वहाँ के पुराने कार्यकर्ता है, एनजीओ है, सभी को मिलना है और नरेंद्र मोदी जी का 9 वर्ष हो गया, विकास की गाड़ी अतिरिक्त चल रही है बिना रुके, तो हम भी ऐसा सोचते हैं कि पूरे देश में नरेंद्र भाई की गाड़ी पूरे देश में बिना रुके चले, ऐसी सोच हम इंटरनल गांव में भी भेजेंगे ना तो भी उनको समझाएंगे कि अभी तो भाजपा के बिना कुछ और नहीं है देश में। आप गुजरात के हैं लेकिन गुजरात में तो आप 156 लेकर आ गए, तो बाकी क्या जहाँ भी आप जाएंगे तो कितने महीने बाहर रहना है, क्या चुनाव तक उसी राज्य में रहेंगे जहां ड्यूटी लग जाएगी? जी हां, जो प्रदेश के सूचना के अनुसार हम जो सूचना मिलेंगी तब तक यहां रुकने वाले हैं। हम इधर से जाएंगे तो और कार्यकर्ता लेकर यहां आना है हमें इलेक्शन में और हमारा एक लक्ष्य है मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ, ये बीजेपी का लक्ष्य है और वो पूरा करके ही रहेंगे। हम महिला है, कभी से किसी से कम नहीं रहेंगे, ये बीजेपी कार्यकर्ता जी है। कैसा करेंगे बूथ को मजबूत? 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के मोदी जी के जो हुए हैं अभी, तो उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी उनके कार्य हैं, वह हमको अंतरिक्ष के जो गांव है वहां पर जाके हमको बताना है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है और मध्य प्रदेश और देश के लिए मोदी जी कितने ज़रूरी है शासक के रूप में, ये हमको मैसेज उनको पहचाना है। ये माने कि 23 और 24 की तैयारी में आप लोग लग गए एक साथ? जी यस यस, हम मानते हैं पूरे देश में जंगी बहुमस्ती से एमपी जीते और मोदी जीते 24 में आने वाले ही है, वो कभी रुके नहीं और ना रुकने देंगे हम। तमाम कार्यकर्ता हैं जो बूथ के सम्मेलन में यहां शामिल होने पहुंची हैं, लेकिन ये चयनित कार्यकर्ता हैं जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां चुनाव होना वहां तो ये जाएंगे, लेकिन गुजरात के कार्यकर्ता चूंकि गुजरात में कमल खिला है तो बाकी जगह भी कमल खिलाने वाले। नागेंद्र के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और राजधानी पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में बताया कि केरल जैसे राज्य में बीजेपी किस तरह हर बूथ तक पहुंच रही है और पीएम मोदी जो जीत का मंत्र देंगे उसे केरल में कैसे अपनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख को यानी कल भोपाल पहुंच रहे, लेकिन सबसे मुख्य जो कार्यक्रम होगा वो बूथ का कार्यक्रम होगा और बूथ में देश भर के 3000 चुनिंदा बूथ के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आप लोग सब केरला से पहुंचे, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी केरला पर लंबी समय से निगाह बनाई हुई है और ये वो केरला के बूथ के ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं और लगातार यहाँ लगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग केरला से आए हैं। क्या कार्यक्रम रहने वाला? बूथ मजबूत करने के लिए बोला हुआ है, बूथ मजबूत करने के लिए वो कार्यक्रम के लिए। केरला में कैसा काम कर रहे हैं आप लोग? बूथ का मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है आपको? प्रधानमंत्री से पूछा बूथ सशक्तिकरण, बूथ सशक्तिकरण मेन एजेंडा, नेक्स्ट टाइम बूथ संपर्क। तो आप लोग चुनिंदा लोग हैं, चयनित होकर आए हैं? एक विधानसभा से एक कार्यकर्ता को सिलेक्ट। केरला में भी भाजपा आगे आएगा? कैसे आएगा? आएगा ऐसे बूथ लेवल में ऐसे काम कर चल रहे अभी। प्रधानमंत्री का लाभार्थी उत्साह कौन कौन है वो निकलता है गांव से जाके लाभार्थी निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की जो योजना रही है मूल भारतीय जनता पार्टी का यही है कि लाभार्थी कौन है, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। अच्छा, यही सही है, सही बात है।
हम घर जाते समय सब व्यक्ति लाभार्थी। केरला के लोग ये समझ पा रहे? केरला को मालूम है, वो पूरे लोगों को मालूम है। दे ऑल आर गेटिंग ए बेनिफिशियर, दे ऑल आर गेटिंग सम सर्टेन आइटम्स फ्रॉम प्रधानमंत्री एंड सो दे विल डेफिनेटली दे विल हेल्प बीजेपी एंड बीजेपी विल कम इनटू पावर इन केरला आल्सो डेफिनेटली। बूथ को मजबूती मिलेगी? मिलेगी। और यहाँ से क्या लेकर जाने वाले? यहाँ से भी बूथ में क्या चल रहे है सीखने के लिए अभी हम आएगा आ रहे अभी। फिर कहाँ जाएंगे आप यहाँ से? यहाँ से तो फिर केरला जा रहे। केरला जाने वाले, लेकिन पीएम से क्या उम्मीद करते हैं? द डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर रिएक्शंस फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं और केरल के तमाम सारे लोग हैं जो बूथ के कार्यक्रम में शामिल होने यहाँ पहुँचे, लेकिन खासी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इनका मानना यह भी है कि केरल में धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जगह बनाई है, लेकिन हितग्राही खासकर लाभान्वित लोग जो अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित हुए प्रधानमंत्री की, उसको लेकर लोगों में बड़ी सक्रियता है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नागिन के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। तो 27 जून यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आने वाले हैं और ऐसे में आपको एनिमेशन के जरिए पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी समझा देते हैं। सबसे पहले दिल्ली से भोपाल रवाना होंगे, 8 बजे करीब 9:50 पर भोपाल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भोपाल एयरपोर्ट से सीधे वो पहुंचेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन यानी कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। 10:30 बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे और बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से नानी कमलापति स्टेशन, दो प्रमुख कार्यक्रम, दूसरे कार्यक्रम के लिए 11 बजे पहुंच जाएंगे जहां पर वो मध्य प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात देंगे। इसके बाद लाल परेड मैदान 11:15 पर पहुंच जाएंगे और लाल परेड मैदान से वापस भोपाल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दो प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल रहेंगे और ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम का एनिमेशन वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और पीएम मोदी के दौरे से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को यानी कि आज भोपाल दौरे पर पहुंचे जहां स्टेट हैंगर पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसी के साथ ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते आगे और चलिए बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान की शुरुआत की जिसके बाद अब सियासत का पारा हाई हो चुका है। कांग्रेस बीजेपी का टेस्टेड फॉर्मूला अपना रही है तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है। क्या है बूथ की पॉलिटिक्स और क्या है ये पॉलिसी, क्या है इसका बस्तर कनेक्शन, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चुनावी मोड में आ चुकी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अब बूथ चलो अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में कांग्रेस को जमीन पर मजबूत करने की ये कवायद बस्तर से शुरू की गई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने अभियान की शुरुआत कांकेर से की। कार्यकर्ताओं ने कुमारी शैलजा का गर्मजोशी से स्वागत किया तो प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। इधर सीएम भूपेश बघेल ने भी कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती बताया। बूथ लेवल तक हम सबको पहुंचना है, ना केवल मैं लेकिन हमारे सभी नेता लोग, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, ब्लॉक लेवल के हैं, प्रदेश लेवल के हैं, सभी लोग बूथ बूथ में जाकर देख रहे हैं कि हमारा कार्य कैसे हो रहा है, लोगों से संपर्क कैसे करना है। इस अभी कमेटियां बन रही हैं हमारी समितियां, उसके बाद सबका प्रशिक्षण भी होगा। बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है और बूथ के माध्यम से ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसके बदौलत ही चुनाव लड़ा जाता है। तो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बूथ चलो अभियान में शामिल हुए हैं। बस्तर संभाग में इसकी शुरुआत हुई और पूरे प्रदेश में किया जाएगा। जब बात बूथ की होती है तो जिक्र भारतीय जनता पार्टी का पहले आता है। जाहिर है कि बीजेपी के फॉर्मूले को अपनाती दिख रही कांग्रेस पर बीजेपी ने तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने अकल से नकल करने की नसीहत दी तो अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को अपने पैर मजबूत करने की नसीहत। अभियान को देखकर ये फोटोकॉपी ले लेते हैं और उसी का फॉलो करते हैं, मगर नकल के लिए भी अकल चाहिए। बूथ चलो के पहले कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली चलो करना चाहिए। मोहन मरकाम जी की कुर्सी खतरे में है और कौन कौन तीसरे चौथी पंक्ति के नेता हैं
उनके बीच में उठा पटक है। तो अभी तो पहले वो अपने पाए मजबूत कर लेना, बूथ मजबूत है भाजपा का। इस अभियान की शुरुआत क्यों की गई और क्या कांग्रेस के हाथ से बस्तर फिसल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा चुनावी मुद्दा है जिसे भुनाने दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुटी रहती हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस पर धर्मांतरण हितैषी होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर वोट बटोरने के लिए प्रोपोगंडा फैलाने का आरोप मढ़ रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी धर्मांतरण को लेकर आक्रामक मोड में है। चुनावी साल में बीजेपी ने धर्मांतरण को प्रमुख मुद्दा बनाकर राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि भूपेश सरकार के संरक्षण में ही आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण का काला खेल चल रहा है, जिसे रोकना तो दूर, कांग्रेस धर्मांतरण के केसों को भी मानने से इनकार करती रही है। वहीं बीजेपी के इन आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी के पास धर्मांतरण का टेप रिकॉर्डर है, जहां चुनाव आते हैं वहां इसे बजाया जाता है। तो वहीं मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर एक भी अवैध धर्मांतरण हुआ होगा तो वो इस्तीफा दे देंगे। प्रदेश में लगातार अवैध धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के बैठे हुए जो जितने भी नेता हैं वो इस मामले को लेकर के चुप्पी साध करके बैठे हुए। कवासी लखमा का कल बयान आया था कि उन्होंने कहा कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है, जिसकी पूरी पार्टी का अवैध धर्मांतरण हो चुका है वो ऐसा कहते हैं। और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थलों पे, बस्तर तो आज जल रहा है, वहां पे कमिश्नर को लिखना पड़ रहा है, वहां एसपी को लिखना पड़ रहा है। ये टेप रिकॉर्ड है, दबाव तो वही निकलेगा, तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे हिमाचल हो, जहां जहां चुनाव हुए वो टेप रिकॉर्ड दबा दीजिए, वही बजेगा। तो अब छत्तीसगढ़ चुनाव है तो छत्तीसगढ़ में बजेगा। मैं केदार कश्यप को चुनौती देता हूं, मेरा सुकमा जिला में 4 साल में अगर एक भी धर्मांतरण बना है मैं अभी भी कायम हूं, मैं इस्तीफा दूंगा। अगर मेरे सुकमा जिला का अगर किसी भी आदमी को नहीं दिखाएगा वो उसको राजनीति छोड़ देना चाहिए, मेरा चुनौती है। बहरहाल ये तो तय है कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में जुटी है, लेकिन अब देखना होगा कि 2023 चुनाव के मतदाताओं पर इस मुद्दे का कितना असर होगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैश बैक में। जी हां, बाद 2018 चुनाव की करेंगे प्रोग्राम खास मुलाकात में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी से खास बातचीत की थी। कांग्रेस का हिंदुत्व को लेकर क्या स्टैंड है, इसको लेकर रागिनी नायक ने बेबाकी से अपने विचार रखे थे। चलिए आपको सुनाते हैं। मैं फिर धर्म की तरफ एक सवाल के साथ इस तरह आता हूं। एक समीक्षक ने एक बार कांग्रेस के लिए कहा कि जिस पार्टी के प्रणेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राम के अनन्य उपासक और जिन्होंने अंतिम समय भी प्राण छोड़े तो हे राम कह के छोड़े, वैष्णव जन जो तेणे कहिए जिनकी सभाओं में ये गीत गूंजता रहा, इंदिरा जी रुद्राक्ष की मालाएं धारण करती रही हैं, हाँ ये आप कह सकते हैं कि उनकी धार्मिकता उनके लिए रही, उन्होंने कभी उसको। लेकिन कांग्रेस की दुविधा क्या है इसको लेकर? क्या आप बहुसंख्यकवाद की राजनीति, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए आप इस शब्द के प्रयोग से सहमत हो कि वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति कर रही है, आपने बिल्कुल बखूबी कहा कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन आप उसको धारण करने में क्या हिचकते हैं? यही डायलमा आपको परेशान करता है कई बार? मेजॉरिटी अपीजमेंट और उतनी ही गलत है जितनी माइनॉरिटी अपीजमेंट। आपको तटस्थ होकर करना पड़ेगा काम, और जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर बहुसंख्यक चाह रहे हैं तो आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि आप इन विषयों पर खुलकर अपनी राय रखें, तो क्या ये गलत है? नहीं, हम तो देखिए देश हित में जो भी हमें ठीक लगता है हम उस पर राय रखते हैं। आपने गांधी जी का उल्लेख किया जी। तो गांधी जी तो अपनी हर सभा में सर्वधर्म संभाव का पाठ पढ़ाते थे और सभी धर्मों की प्रार्थना होती थी। गांधी जी तो ये कहते थे कि मेरी कल्पनाओं के राम, मेरे मन में बसे राम कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है ही नहीं, और मैं तो उस धर्म की बात करता हूँ जो धर्म के अंदर छुपा हुआ धर्म है, यानी कि वो हिंदू धर्म नहीं है। उस धर्म का अर्थ होता था नीति, जो कि रामचरितमानस में भी लिखा है, दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति,
चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, और जो रामराज की परिकल्पना है कि किसी का किसी से बैर नहीं होगा, अपनी एक एक नीति नियम न्याय के हिसाब से देश चलेगा, वो तो यहाँ वो तो है ही नहीं। तो मैं समझती हूँ कि धर्म धर्म को कहीं ना कहीं ढाल बनाना या धार्मिक विषयों के कंधों पर रखकर राजनीतिक बंदूक चलाना और गोली दागना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है और हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैं कहती हूँ, इंदिरा जी रुद्राक्ष पहनती थी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी सब मंदिर जाते हैं। मैंने अगर 9 दिन का व्रत रखा है, मैं सुबह पूजा में आई भी तो मैंने सुबह में पूजा करके आई, पर प्रेस वार्ता तो धार्मिक विषयों पर नहीं की। मैं अपने घर में अपनी मेरी आस्था क्या है, मैं कैसे पूजा पाठ करती हूँ, वो मेरा विषय है। पर आप राजनीति में धर्म को हावी करके आप जो मुख्य बातें हैं वो आप नहीं करना चाहते, जनता के मुद्दों पर आप खामोश हो जाते हैं, तो ये तो कांग्रेस पार्टी नहीं चलने देगी। और ये कोई दुविधा नहीं है, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारी नीति है, ये हमारा नियम है कि धर्म, भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ये हमारे संविधान में लिखा है, और देश संविधान से चलता है, किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलता। और चले इसी के साथ हमारी खास चुनावी पेशकश 23 की तकरार, किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही।